जी अस्सलाम वालेकुम जी, आज थर्ड डे है और आज क्रिकेट का डे होगा सारा। और अभी हम छावनी ग्राउंड में हैं तो यहाँ पर अभी आज सारे क्रिकेट के मैचेस होंगे। और ये देखें ना, यहाँ पर सारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है और मज़ा भी आएगा। पिच भी बहुत वो जो असली वाली होती है वो वाली है। पहले जो मैचेस होते हैं, जो पहले हम स्पोर्ट्स खेलते रहे वो जो होते हैं, ये वाले ग्राउंड जो होते हैं इनको दूसरे ग्राउंड है, ये इतने ग्रासी ग्राउंड नहीं होते, यहाँ पर होते हैं। लेकिन आज मतलब यहाँ पर होगा, मज़ा आएगा यार, ये तो फिर लेवल है एक अलहदा, देखने का भी और देखने वालों को भी मज़ा आएगा, खेलने वालों को काफ़ी मज़ा आएगा और मुश्किल भी होगा इसमें खेलना। तो भी देखते हैं, शुरू होता है फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, मैच शुरू हो गया है जी। कलंदर हाउस की पहले बैटिंग आएगी, फिर उसके बाद जांबाज हाउस खेलेगी। अभी माशाल्लाह बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर खेलने का भी मज़ा आएगा। तो मैंने खेलने वाले से पूछा, वो कह रहे मज़ा आया है, मज़ा आया है हमें। ओ तेरा छक्का, दो बार सर, दो बार नहीं है। अभी हम यहाँ पे बैठ के मैच देख रहे हैं नीचे बैठ के, और मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़बरदस्त यार, ये ग्राउंड में बहुत ज़बरदस्त है और मैच खेलने में भी मज़ा आ रहा है उनको, और हमें देखने में मज़ा आ रहा है ज़बरदस्त। यहाँ पे कमेंट्री भी हो रही है ज़बरदस्त जी, काफ़ी ज़बरदस्त कमेंट्री, उर्दू में कर रहे हैं थोड़ी बहुत, ऐसे नहीं कर रहे कि साथ साथ कर रहे हैं बस ओवर के। ये देखें, ये देखें ओवर के बाद बस पहले ओवर में इक्की मार दी है। अच्छा ये देखे ना, इस तरह फिर ओवर के बाद फिर बता देते हैं कितना स्कोर है, क्या है क्या नहीं है, इस तरह करके फुल साथ साथ कमेंट्री जिस तरह होती उस तरह नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ठीक है, ज़बरदस्त हो रहा है। यहाँ पर एक और कैच छोड़ दिया, फिर से स्लिप हो गया बंदा। बैटिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यहाँ पर बुफर वगैरह लगे हुए हैं, डेक शेक लगे हुए हैं। यहाँ पर कलंदर का गाना लगा हुआ है जी, कलंदर आजा जीत के आजा, ज़बरदस्त। यहाँ पर फिर से कैच छोड़ दिया जी बॉलर ने, फिर से जो विकेट जी। यहाँ पर इनकी बारी खत्म हो गई, चार ओवर में 74 का टारगेट दिया आई थिंक, तो बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। जांबाज की टीम ने अच्छा नहीं खेला इतना, एंड में आके ठीक खेले लेकिन वो फील्डिंग ख़राब थी, कैचेस बहुत छोड़े, लेकिन फिर भी देखते हैं अभी क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पर जी दूसरा आउट हो गया जी, और ऐसा लग रहा है कि कलंदर ये मैच ले गया, बिल्कुल ही जीत चुके हैं और उनका जीरो स्कोर है। जांबाज का दो खिलाड़ी आउट भी हो गए हैं पहले ओवर में, और कमेंट्री अब लगातार हो रही है हर बॉल पे, ज़बरदस्त इस तरह होती है, मज़ा भी आ रहा है देखने में। और जांबाज ये मैच हार गया, तकरीबन हार गया, सारा मैच हार गया, 75 करना है, चार ओवर में भी ये ओवर तो ज़ाया हो गया और दो विकेटें भी गिर गई, अब तीन ओवर में कैसे करेंगे, नामुमकिन है। तो जीत के ये कलंदर मुबारक हो। तीसरा खिलाड़ी भी आउट हो गया जी इसी ओवर में, बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे कलंदर, बहुत ज़बरदस्त। जांबाज ऐसे लग रहा है जैसे बच्चे हैं, खेला ही नहीं आ रहा, गई भाई आज हार गई, जैसा एक्सपेक्ट था कलंदर जीत गई मैच। और जांबाज की तकरीबन ना भी 7-8 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 40 रन से कलंदर ने मैच जीता है, बहुत ज़बरदस्त, मुबारक हो आपको। अभी हमारा मैच हो रहा है सिकंदर के साथ और हमारी बैटिंग आई है जी, पहले देखते हैं क्या बनता है। इस यहाँ पर ये दायरा बना के ये फिर अभी सेलिब्रेशन कर रहे थे माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खेले हैं जी, सेलिब्रेशन बनती है, बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, बहुत ज़बरदस्त। अभी बाउंड्री के बिल्कुल पास हम बैठे हुए हैं मैच देखने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। हमारी टीम की बैटिंग आई है पहले, तो पहली बॉल अभी देखते हैं क्या होता है। अभी पहली बॉल होने लगी है, अभी ये आगे फील्डर है ना, इस वजह पता नहीं लग रहा, ये पहली बॉल मेरे ख्याल आउट हो गया है, ये आउट हो गया जी पहली बॉल पे ही, शाहीन हाउस की पहली बॉल पे विकेट गिर गई, कैच हो गया छक्का मारने के चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जीतेंगे। अभी छक्का मारा है जी, तो अभी खोल गए हैं हम, अभी इंशाल्लाह देखिएगा। अभी दो ओवर हो गए, 15 स्कोर है टोटल सिर्फ, और तीन खिलाड़ी आउट है हमारे, ऐसा लग रहा है कि मैच निकल गया हाथ से। ये देखें ना, बॉल चढ़ नहीं रही बल्ले पर, पता नहीं क्या हुआ यार, हमारे प्लेयर हल्के हैं ये, क्या मसला है समझ नहीं आ रही है। जी हमारी बैटिंग खत्म हो गई, 36 का टारगेट दिया जी, बहुत कम टारगेट है इस पिच के लिहाज से और इन ओवर के लिहाज से, लेकिन देखते हैं अभी बॉलिंग में क्या करते हैं और कुछ भी हो सकता है जी। अभी हमारी बॉलिंग आई है, पहली बॉल पे हमने विकेट गिरा दिया ज़बरदस्त जी, अभी उनका बैट्समैन आया है बैटिंग करने। अभी एक और विकेट गिर गई है तीसरी बॉल पर, और जीरो रन है, दो खिलाड़ी आउट है, बहुत ज़बरदस्त जी। अभी इंशाल्लाह अभी बॉलिंग पर ही उम्मीद है इंशाल्लाह जी। यहाँ पर कैच छोड़ दिया हमारे फील्डर ने, और हमारे ये देखे ना सर गुस्सा कर रहे हैं,
तीसरी विकेट गिर गई जी, माशाल्लाह जी, जबरदस्त जबरदस्त जी, एक और विकेट, चार विकेट, जबरदस्त। स्कोर कितना है? नौ है, नौ, हाँ नौ दस है, चार विकेट, बहुत जबरदस्त। चला जी पांच विकेट, नौ रन पर पांच विकेट यार, और विकेट जी, बहुत जबरदस्त बॉलिंग जी, ये गाजी जो है ना, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। इधर चार विकेट लिए उसने यार, सोलह अभी छक्का लगाया जी, तीन बॉल, सोलह रह गया जी, अभी देख लें ये होगा कि होता क्या है। मैच बड़े दिलचस्प मराहल में दाखिल, और ये बॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिस हो गई तो हम जीत गए, वरना मिस हो गई ये बॉल, और तकरीबन हम जीत गए हैं। बस दो गेंदे, 16, अब ये नामुमकिन है, दो गेंदे छक्के भी लग जाए फिर भी नहीं। तो यहाँ पर कोई मेरे ख्याल जनाजा आया है, या कोई मसला है, मतलब इस तरह का यहाँ पर कोई जनाजा आया हुआ है, तो अल्लाह मगफरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए जिस जो फौत हुए, तो इसलिए हम शोर वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि जनाजा है, उसका एहतराम करेंगे, तो शोर वगैरह कुछ नहीं करना, जीत तो गए लेकिन हम कुछ भी नहीं, हुल्लड़बाजी वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, खामोशी से भी हम जीत गए हैं, और शोर नहीं करना ये तय हुआ है, शोर नहीं करना जी, शोर नहीं करना, जनाजे की वजह से शोर नहीं करना बिल्कुल भी, और बहुत ज़बरदस्त। सर मुबारक हो सर, बनाएंगे एक मिनट ठहर जाओ, माशाल्लाह जब जनाजा गया इस वजह से फिर अभी थोड़ी सेलिब्रेशन कर लेंगे, क्योंकि जनाजा जब गुजर रहा था तब सेलिब्रेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं, अब करेंगे। ये तोड़ दिया जी, ये तोड़ दिया इन्होंने, ये जो दायरा होता है ये तोड़ दिया, अभी फिर से बनाएंगे, फिर से सेलिब्रेशन करेंगे, वो वहां से भी तोड़ दिया, वहां भी यार तोड़ना नहीं है किसी ने दायरा यार। चलो बेटे, और बहुत ही जबरदस्त मैच जीता, नहायत ही कम स्कोर लेकिन फिर भी मैच जीता है, काबिलियत थी बॉलिंग की, और मीर गाजी मेंशन करूंगा, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, बहुत जबरदस्त। यार ये बंदा है जिसने विकेट लिए, कितने विकेट लिए आपने, चार, माशाल्लाह जी, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो जी, बहुत मुबारक, 500 रुपए निकाल के दे दिए अर्शद रैद साहब, 500 रुपए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे हम। अच्छा जी हम फाइनल में पहुंच गए, फाइनल में कलंदर और शाहीन का होगा, अभी यहाँ पर जांबाज और सिकंदर का मैच हो रहा है, थर्ड और फोर्थ का फैसला करने के लिए, क्योंकि थर्ड और फोर्थ ये फिर पॉइंट्स होते हैं, एंड में जाके ये पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे, फिर सारा मतलब वो होगा, और उस बिना पर फिर एक हाउस जो है वो विनर हो जाएगा, जो जिसके पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, इस वजह से ये मैच हो रहा है, और हमारा अगला मुकाबला है कलंदर के साथ शाहीन का फाइनल, ज़बरदस्त जी। सारे धूप पर बैठ के मैच देख रहे हैं, हम छाँव पर बैठ के मज़े से मैच देख रहे हैं, वहाँ पर तंबू लगाया हुआ है टीचर हज़रात के लिए, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं जी छाँव में बैठ के मैच देखने के लिए, ज़बरदस्त जी। हम यहाँ पे यहाँ पे सिकंदर हाउस जीत गई, थर्ड पोजीशन सिकंदर हाउस की, फोर्थ पोजीशन आएगी उनकी जाबाज हाउस की। यहाँ पे थोड़ी सी बेईमानी हुई है, वट्टे बॉल मारी, वट्टे मारे गए हैं सिकंदर की जानब से, लेकिन अंपायर ने आउट ही नहीं, बोलो सॉरी आउट कह दिया, मतलब कोई कुछ नहीं कहा अंपायर ने, सीधे सीधे जिस बॉल पे आउट हो रहे थे अंपायर ने कुछ भी नहीं कहा, ये थोड़ी बेईमानी हुई है, तो लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें उनसे क्या लेना देना, अब हमारा फाइनल होगा कलंदर के साथ, अभी गर्मी बढ़ चुकी है यार, अभी होगा सही टाकराना जो फाइनल, और टॉस हमने जीता है, बैटिंग हमारी आएगी पहले। अच्छा जी अभी शाहीन हाउस और कलंदर का फाइनल होने जा रहा है, शाहीन हाउस ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत बड़ा टारगेट देंगे इंशाल्लाह आज, ज़बरदस्त मज़ा आएगा, और यहाँ पर तैयारी हो रही है, टिप्स दे रहे हैं थोड़ी अपनी टीम को, ज़बरदस्त जी। ओपनर जा चुके हैं गाजी और मजारी, अब ये दूसरी बॉल ये ले जी छक्का, वो बाहर, दूसरी बॉल जबरदस्त जी, छक्का हो गया, शाबाश, 6 रन, जबरदस्त ऐसे खेलना जी, आउट हो गया तीसरी गेंद, और कोई बात नहीं लेकिन आउट हो गया, शॉट उठाने की कोशिश और कीपर ने कैच किया, आउट। प्रिंसिपल आए हैं जी मैच देखने के लिए, वैसे तो नहीं थे, आज ही देखे, तीसरा दिन है आज नजर आया यार, जबरदस्त, अभी हाथ मिलाते हुए
ये बाहर। पहले इसने मारी वो इकरा स्कूल को छुट्टी हुई है, वो गेट पे जाके लगी, बहुत जबरदस्त मारी थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही खूबसूरत 5 छक्के ओवर में, जबरदस्त 70 का टारगेट दिया जी 5 ओवर में। अच्छा जी ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, उतनी देर आप कुछ खा पी लें। हाय खोखर साहब यार, थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू। जबरदस्त समद साहब, दुकड़ सही चाल है सही, ठीक से खुश हो, ब्याह लग गया था स्कोर, हार गए तुसी? वैसे जीत जाते हैं हम, हाँ भीक में देते हैं। साढ़े देखे स्कोर, स्कोर देखे 36 स्कोर दिखा, फिर भी अगले आ रहे हैं साढ़ा यार, देख तो आ स्कोर देखता 36 स्कोर सी सिकंदर वाले ना, और फिर भी नहीं बढ़ा देता एडा, नहीं कलंदर नहीं जीते, नहीं नहीं शाइन 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 तो कौन जीतेगा हकीकत जानो तो, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में से जो विनर होंगे क्रिकेटर के वो यही कलंदर होंगे, आप मानो ना। नहीं नहीं यार आप नहीं नहीं। अच्छा चलो ये मैच के बाद देखते हैं फिर, कुछ खा पी लें काफी अरसे से, सुबह का आया मैं भूखा हूं। अंकल एक ब्लूबेरी बना दे पार्सल, ठंडा हो। हाँ ब्लूबेरी, और अभी इसको एंजॉय करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा यार थोड़ा प्यास बहुत लगी थी, सुबह कुछ नहीं खाया पिया, मैंने कहा यार थोड़ा बहुत ना कुछ हो जाए तो फिर अच्छा हो ना, ना सुकून में रह लेते। अच्छा जी यहाँ पे मैं सोडा एंजॉय कर रहा हूँ, और वहाँ पर दूसरी साइड पे मैच बस शुरू हो चुका है तकरीबन, हमारे जो फील्डर हैं वो पहुँच चुके हैं और कलंदर के जो बैटर्स हैं वो भी पहुँच रहे हैं, ये बाउंड्री लाइन है। क्या लगने के बाद विकेट गिर गई, माशाल्लाह जी जबरदस्त, वही बॉलर जो गाजी है उसने विकेट ली जबरदस्त, एक विकेट गिरी थी और उसके बाद अब विकेट गिरी है, लेकिन स्कोर काफी ऊपर हो गया, काफी छक्के लग गए हैं इस ओवर में, तो काफी काम खराब हो गया, कुछ भी कहीं भी मैच जा सकता है। अब लग रहा है कि शाहीन का जितना मुश्किल है क्योंकि स्कोर काफी हो गया है, लग रही थी मैच भी हार रहे थे, मैंने कहा चलो यहाँ पे छाव में आके थोड़ा ना यहाँ पे आगे हमने कहा बैठ जाए, यहाँ कॉमेंट्री हो रही है। कलंदर हाउस जी जीत चुकी है मैच, काफी छक्के पड़े हमें और मैच निकल गया था उसी वक्त हाथ से, और कोई बात नहीं हो जाता है, लेकिन मैच अच्छा हुआ, जबरदस्त मजा आया और काफी अच्छा लगा, और अभी पिच का थोड़ा देखेंगे क्या किस तरह की है पिच, ये काफी ग्रासी पिच है, ये देखें ना ये देखें जबरदस्त और अच्छी है, बड़ी पिच है और काफी अच्छी पिच लग रही है मुझे भी, और ये बाउंस पिच नहीं है इतनी, मतलब जिस पे बॉल उठे ना बॉल बैठ रही थी, इतनी अच्छी पिच नहीं थी, लेकिन बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन आज कलंदर ने तो बॉलिंग में बैटिंग में दोनों कामों में ही ज़बरदस्त कर दिया। अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ फिर आता हूँ दोबारा, काफ़ी बड़ी लाइट्स हैं और यहाँ से देख दूर से देखने में इतना पता नहीं लगता, लेकिन जब नज़दीक आए तो काफ़ी मतलब अच्छी लगती हैं और बड़ी लाइट्स है। जल्द आ रहा है बलाज न्यूज़ बड़ी स्क्रीन पर चौरी शफीक अहमद नुमाइंदा लाहौर रंग न्यूज़ सात का बाग। अच्छा जी यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और वो ये देखें ना काफ़ी बड़ा है, ये सात का बाग के लिए भी अच्छी बात है कि सात का बाग में एक ग्राउंड मौजूद है जिसमें लाइट्स वगैरह और बड़ा ग्राउंड है, तो ये अच्छी बात है ज़बरदस्त जी। सात का बाग में पहले इस तरह के नहीं होते थे, ये तकरीबन 2015 से के बाद ही सब कुछ बना है, जिनाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है सारा कुछ, अभी वहाँ पर सेलिब्रेशन चल रही है, लेकिन हम अभी बाहर जा रहे हैं, ये जाली जो है ये हमें कूद के जानी पड़ेगी, तो ये भी कूद के फिर आपसे बाहर जाता हूँ फिर मिलता हूँ। यहाँ से मैं गया था उधर इकरा स्कूल की तरफ कज़न को पूछने कि मेरे साथ जाना है या वैन पे आओगे, क्योंकि वैन उसकी थोड़ी सी लेट आती होती इसलिए वजह से फिर मेरे साथ आ गया था कल और परसों, तो फिर मेरे से पूछने गया था, तो वो कह रहा था कि यार मैं दोस्तों के साथ ही आ जाऊँगा, आपने जाना है तो चले जाऊँ, मैं अभी थोड़ा ग्राउंड में देखता हूँ गेम्स हैं या नहीं है, फिर देखते हैं उसके हिसाब से घर जाते हैं। अभी घूम के मुझे दूसरी साइड से जाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे होता था जालियाँ कटी हुई थी तो अंदर से हम कूद के निकल जाते थे, तो अभी ऊपर से कूद के जाना पड़ता है, ऊपर से कूदता हूँ तो जालियाँ जो है ना वो ढीली हैं, तो वो खतरा है कि गिर ना जाए या कोई टूट ना जाए, कोई मसला ना हो जाए, फिर इस वजह से वहाँ पर थोड़ा ना आगे थोड़ा गेट है, वहाँ से आगे फिर जाऊँगा। यहाँ से जा रहा सवन वाले गुजर रहे थे तो वो मुझे देखे रुके ही नहीं, फिर आप भी वापस आ गए हैं, आ जाओ। अच्छा जी फिर गेम्स वगैरह कोई भी नहीं है, मैंने कहा अब घर चलते हैं, फ़ायदा यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ रुकने का,
तो बस अभी ये बाइक खड़ी हुई है, मिल गई, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे घर। चलें जी।